इसको जमीन के अंदर रहता है, इसको खोदते हैं फिर निकाल के इसको। इतना खतरनाक सड़क और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं पूरा। आगे का सड़क देख लो भाई साहब, देखे हो कैसा है, उबड़ खाबड़ एकदम। बड़ा सा मछली था यार, भाग गया। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस हमारे घर से स्टार्ट करते हैं और अभी हूँ अपने घर ही में हूँ फिलहाल। यहाँ अभी हम यहाँ कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ है ना, जंगल कट कांदा काल तक के दो हूँ गेट कांदा जाने, तो समझ सकते हो थोड़ा एक इसको जंगल का कांदा है। ये बड़ा अजीब है, इसको जमीन के अंदर रहता है, इसको खोदते हैं फिर निकाल के इसको। ये पूरा नमक वमक कुछ नहीं है, ऐसे ही खा रहे हैं। वैसे हम अभी जा रहे हैं इसका सोचित करने। इधर देखो इसका जो ये जो गला है ना, ये ऐसे हो गया टेढ़ा, ऐसे ऐसे हो गया है। तो इसको हम लोग किसी के पास जा रहे हैं सीधा करवाने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसका गला थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो इधर सीधा करने में जो मज़ा आएगा ना, तो क्या ही बताएं। निकालते हैं फिर चलेंगे। ओके, वैसे अभी जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने, उसके बाद उधर चलेंगे। यहाँ होने वाले इस लड़की का फ्रैक्चर का इलाज। ओके, उधर से समोसा वैसा खा के घर पे आ गए। बताया जाए कि गर्दन को कैसे मरोड़ा गया वहाँ, ऐसा वैसा गर्दन को अच्छे से मरोड़ा गया, कुछ किया गया। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ अपने माँ को लेने किसी दूसरे गांव, वो मेहमान गई है, तो रास्ता भर का मजा लेंगे बिल्कुल यूं इस कदर। वैसे हमारे घर से वो गांव लगभग, गांव का नाम है बंदना, जो कि मेन पार्ट के नीचे है। तो यहाँ से हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर आसपास है, तो हम लोग 25 किलोमीटर तय करेंगे अभी स्कूटी से। फिर वहाँ माँ को लूँगा, फिर वापस आना है जस्ट। और ड्राइव इधर हमारा ब्रदर कर रहा है, बड़ा ही नेक आदमी है ये। ये जो मेरे है, ये हम लोग का राधापुर का बैरियर है कुछ इस तरह कदर से, ठीक है। यहाँ जांच नाका होता है, जो भी ट्रक वगैरह रोक के पूरा चीज़ किया जाता है, जांच नाका है ये। ये है हम लोग का, देख रहे हो ना पीछे कितना खतरनाक सड़क, और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा सड़क एकदम ख़राब चल रहा है। वैसे अभी बरसात है, तो अभी सड़क का काम भी नहीं चल रहा है, पूरा रुका हुआ है। आगे दिखाता हूँ कि पुल हम लोग का पुलिया कैसे खस्ता हाल है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। भाई साहब, ये हम लोग का नदी यहाँ का, जो कि ये मांड नदी है, और ये काफ़ी बड़ा है। इधर नहीं, एक पुलिया बन रही है, ठीक है, जैसे वो पुलिया जल्द बन जाएगी, फिर ये जो पुराना सड़क है ये जस्ट इसको छोड़ देंगे, फिर उसमें चलने लग जाएंगे सब लोग। आगे का सड़क देख लो भाई साहब, देखे हो कैसा है, उबड़ खाबड़ एकदम। यहाँ से पुलिया देख सकते हो ना भाई साहब, कैसा लग रहा है पूरा यहाँ से। अगर ध्यान दिए होगे तो वहाँ देखे होगे, हमारे जस्ट इधर बाइक एक तो गिरने वाली थी, मतलब रास्ता का कुछ पता ही नहीं है, सब जगह पानी भरी हुई है। वैसे ही हम लोग का ये नया सड़क बन रही है, और उधर देख रहे हो जहाँ ट्रक चल रही है, वो पुरानी सड़क है, उसको ये बन जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, अब इसी में चलेंगे, ठीक। भाई साहब, एक दिक्कत हो गई, हम लोग जहाँ माँ को लेने जा रहे थे ना, ऑलरेडी उन लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपन घर चलते हैं और उधर ही मस्ती करेंगे। तो गाइस, वैसे मैं फिशिंग कर रहा था, वैसे एक मछली इधर है, ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा है ये मछली, तो इसको मैंने ऐसे करके यहाँ से निकाले हैं, मतलब मेरे तालाब से। तो गाइस, बड़ा सा मछली था यार, भाग गया। सो गाइस, इसको इग्नोर करते हैं और फिर फंसाते हैं और मछली। ओके,